हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एज वेल एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो चलिए नोटिफिकेशन को डिटेल्स में चेक कर लेते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन है 3 अक्टूबर को रिलीज किया गया था। तो एक एक करके सारे पोस्ट, उसके साथ साथ डिपार्टमेंट्स, कितने वैकेंसी है एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पे लिस्टेड है, वो एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रोफेसर पोस्ट के लिए यहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स दिया हुआ है वो है एंथ्रोपोलॉजी एंड ट्राइबल डेवलपमेंट, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फॉरेंसिक साइंस, फॉरेस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस एंड वाइल्ड लाइफ, हिंदी, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, जेएमसी, लाइब्रेरी साइंस, मैनेजमेंट स्टडीज, फार्मेसी, प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स, रूरल टेक्नोलॉजी एंड जूलॉजी। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी अगर देखे तो फिर 24 वैकेंसीज जो है इस बार एक साथ रिलीज किया गया है। दैट्स अ ह्यूज वैकेंसी। ठीक है, बहुत सारे वैकेंसीज एक साथ रिलीज किया गया है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी अगर चेक करना चाहे तो फिर यहाँ पे दिए हुए कॉलम्स में आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एसोसिएट प्रोफेसर के लिए चलते हैं। तो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स है वो है बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, एजुकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेंसिक साइंस, फॉरेस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस एंड वाइल्ड लाइफ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, लॉ, लाइब्रेरी साइंस, मैनेजमेंट स्टडीज, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फार्मेसी, प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स एंड सोशल वर्क। तो कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स यहाँ पे प्रोफेसर पोस्ट एंड एसोसिएट प्रोफेसर में कुछ कुछ डिफरेंस का ही यहाँ पे जो है मतलब डिफरेंस है, अदरवाइज लगभग सेम है। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेना आप। तो यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है वो है 30 वैकेंसी। ठीक है, 30 वैकेंसी रिलीज किया गया है फॉर एसोसिएट प्रोफेसर पोस्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मतलब कॉलम्स में जो है कैटेगरी वाइज वैकेंसी दिया हुआ है वो आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट्स जो है वो है बायोटेक्नोलॉजी, सीएसआईटी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन एलडी, इकोनॉमिक्स, फॉरेस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस एंड वाइल्ड लाइफ, फार्मेसी, प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स एंड सोशल वर्क। तो यहाँ पे देखिए 13 वैकेंसीज फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर पोजिशन यहाँ पे रिलीज किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो पीडीएफ है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो वैकेंट पोजिशन है वो रिलीज किया गया है। अलग अलग जो पीडीएफ है, अलग अलग पीडीएफ में सेपरेटली सारे चीजें यहाँ पे बहुत ही क्लियरली दिया हुआ है। ठीक है, तो एक एक करके सभी जो इंफॉर्मेशन है वो हम चेक करेंगे। ठीक है, तो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की तरफ से आया है जो कि बिलासपुर में है। तो दूसरे पीडीएफ पर चलते हैं। तो ये है शॉर्ट नोटिस जो गुरु घासीदास की तरफ से रिलीज किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नॉन रिफंडेबल फीस जो है, बाकी सारे जो भी चीजें हैं सभी चीजें यहाँ पे शॉर्ट में दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम चेक करेंगे। पहले चलते हैं एलिजिबिलिटी पर। तो एलिजिबिलिटी अगर देखिए यहाँ पे हर एक मतलब कैटेगरी के लिए, जैसे आर्ट्स हो गया, लॉ, साइंस, सोशल साइंस, लैंग्वेज, लाइब्रेरी साइंस, तो हर एक मतलब फील्ड के लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी को रखा गया है हर एक पोस्ट के लिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचिंग फैकल्टी फॉर द डिसिप्लिन्स ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, लॉ, सोशल साइंसेज, साइंसेज, लैंग्वेजेस, लाइब्रेरी साइंस, फिजिकल एजुकेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एंड फार्मेसी। तो ये जो सारे डिसिप्लिन मैंने बताया सभी के लिए यहाँ पे रखा गया है एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पे देखिए पहला जो असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट है उसके लिए यहाँ पे मास्टर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए विद मिनिमम 55% मार्क्स। ठीक है, उसके साथ साथ नेट क्वालिफाई होना चाहिए नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर नेट नेशनल लेवल पे क्वालिफाई नहीं है तो फिर स्टेट लेवल पे स्लेट या फिर सेट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर नेट, स्लेट, सेट कोई भी एग्जाम आपका क्लियर नहीं है तो आपके पास पीएचडी डिग्री होना चाहिए इन रिलेवेंट डिसिप्लिन। अगर पीएचडी डिग्री आपके पास है तो कुछ यहाँ पे कंडीशंस फॉलो किया जाता है, जैसे आपके पीएचडी डिग्री रेगुलर मोड पे होना चाहिए, पीएचडी थीसिस एटलीस्ट टू एक्सटर्नल एग्जामिनर से इवेलुएट होना चाहिए, ओपन पीएचडी वाइवा कंडक्ट होना चाहिए, आपके पीएचडी वर्क में 2 रिसर्च पेपर पब्लिश होना चाहिए जिसमें से 1 रिसर्च पेपर किसी भी अच्छे जर्नल में पब्लिश होना चाहिए। ठीक है, एंड किसी भी अच्छे कॉन्फ्रेंस या फिर सेमिनार में आपके पीएचडी वर्क में एटलीस्ट 2 रिसर्च पेपर प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे कंडीशन सबका फॉलो होना चाहिए। नेक्स्ट आता है एसोसिएट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी, जिसमें देखिए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ साथ आपके पास पीएचडी डिग्री होना मैंडेटरी है इन रिलेवेंट डिसिप्लिन। मास्टर्स डिग्री में आपका 55% मार्क्स होना चाहिए एंड मिनिमम 8 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, 8 ईयर्स का एंड 7 पब्लिकेशंस आपके पास होना चाहिए, 7 पब्लिकेशंस। ठीक है, एंड आपका जो रिसर्च स्कोर है वो 75 यहाँ पे रखा गया है।
नेक्स्ट आता है प्रोफेसर पोस्ट के लिए। तो प्रोफेसर पोस्ट के लिए देखिए, मतलब आपके पास पीएचडी डिग्री होना मैंडेटरी है इन रिलेवेंट डिसिप्लिन, ठीक है। 10 रिसर्च पब्लिकेशन आपके पास होना चाहिए, रिसर्च स्कोर 120 रखा गया है, एंड आपका जो यहाँ पे टीचिंग एक्सपीरियंस है वो आपका 10 साल का होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो फिर यहाँ पे डिसिप्लिन चेंज हो जाता है, जैसे मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचिंग फैकल्टी पोजीशंस इन द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, जैसे बीएड एमएड के लिए, ठीक है। तो वैसे ही आप चेक कर सकते हैं, जैसे फाइन आर्ट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहेगा, ठीक है। मतलब 7 पेजेस का पीडीएफ है ये। देन अलग अलग पोस्ट के लिए, जैसे एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर की हो गया। देन अब आता है स्पेशल एजुकेशन जो लर्निंग डिजेबिलिटी के लिए है, उसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। देन मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर डिपार्टमेंट ऑफ रूरल टेक्नोलॉजी एंड सोशल डेवलपमेंट। तो एक एक करके आपको जिस डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट है उसी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पीडीएफ पर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, टू द कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे देखिए आपने आपका जो एप्लीकेशन है वो आपको मिल जाएगा समर्थ पोर्टल, जो कि यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही अवेलेबल है। तो यहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है, एंड अप्लाई करने के 15 डेज के अंदर आपको जो है इसका हार्ड कॉपी आपको सेंड कर देना है, ठीक है। तो हार्ड कॉपी सेंड करते टाइम अपने पास जितने भी टेस्टिमोनियल्स है सभी में सेल्फ अटेस्टेड करके आपको उसके साथ अटैच करना है, एंड देन सेंड कर देना है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप एप्लीकेशन को सेंड कर दीजिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन एज वेल एज ऑफलाइन एप्लीकेशन दोनों कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो एप्लीकेशन फीस है फुल्ली नॉन रिफंडेबल है, 2500 रुपीज रखा गया है फॉर जनरल कैंडिडेट्स, एंड 1000 रुपीज रखा गया है फॉर SC ST एंड SC ST PWD एंड फीमेल कैंडिडेट्स, ठीक है। कोई भी TAD आपको नहीं मिलेगा फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू फॉर जनरल कैंडिडेट्स, बट जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनको दिया जाएगा। तो आप एक बार यहाँ से चेक कर सकते हैं। 5% का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगर आप सेम पोस्ट के लिए दो बार अगर आपने रिपीट एप्लीकेशन किया तो फिर जो फर्स्ट वाला एप्लीकेशन किया उसी को कंसिडर किया जाएगा, नेक्स्ट वाला रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मतलब अगर आप पहले वाला कोई एप्लीकेशन किया एंड देन कुछ आपको नजर आई, कुछ मिस्टेक्स हो गया या फिर कुछ हो गया, देन आप अगर आप चाहते हैं कि आप तो मतलब दोबारा अप्लाई करें तो वो आप नहीं कर सकते। इसीलिए जब फाइनल सबमिशन से पहले एक बार अच्छे से मतलब पूरा चेक कर लीजिए, ठीक है। कंप्लीटली चेक करने के बाद अगर कोई भी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट नहीं है फिर जाके आप उसको सबमिट कीजिए, ठीक है, क्योंकि दोबारा आपको कोई भी चांस नहीं मिलेगा एप्लीकेशन करने का, ठीक है। उसके बाद आप ये जो नोटिफिकेशन है इसको मतलब जो पीडीएफ है इसको डाउनलोड करके लाइन बाय लाइन रीड कर सकते हैं, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मतलब देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पीडीएफ पे चलते हैं। तो देखिए ये कुछ यहाँ पे अलाइड सब्जेक्ट का डिटेल्स दिया हुआ है जो कि कंसिडर किया जाता है फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, जैसे देखिए डिपार्टमेंट है फॉरेंसिक साइंसेज एंड सब्जेक्ट, यहाँ पे अगर आपके पास बायोटेक, बॉटनी, केमिस्ट्री, क्रिमिनोलॉजी, जूलॉजी, फिजिक्स ये सारे सब्जेक्ट अगर आपके पास है तो आप फॉरेंसिक साइंस में भेज रख के अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है रूरल टेक्नोलॉजी एंड सोशल डेवलपमेंट, जिसमें देखिए सब्जेक्ट जो रखा गया है बॉटनी, जूलॉजी, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन, डेयरी टेक्नोलॉजी, देन सेरिकल्चर, रिमोट सेंसिंग, सॉयल साइंस एंड जियोफिजिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोई भी सब्जेक्ट हो इसमें से तो आप यहाँ पे इस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा मतलब ये नोटिफिकेशन है, बहुत वैकेंसीज के साथ, बहुत ज्यादा वैकेंसीज के साथ, एंड ये परमानेंट पोजिशन है। और एक चीज मैं बता दूँ यहाँ पे कि जो लोग यहाँ पे अप्रैल में एक गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था प्रोफेसर मतलब फैकल्टी पोजीशन के लिए, तो जो लोग यहाँ पे किया था मतलब अप्लाई किया था तो उनको यहाँ पे दोबारा अप्लाई करना है। जो फीस आपने पे किया था तो वो दोबारा फीस पे नहीं करना होगा, बट आपका जो यहाँ पे अपने जो एप्लीकेशन है उसको आपको दोबारा अप्लाई करना है, ठीक है। ये क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो ये रिपीट मतलब रिपीट नोटिफिकेशन है, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है। तो एक बार ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं। तो ये रहा गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर का ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे आके आपको रिक्रूटमेंट में जाके क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो फिर नेक्स्ट एक टैब ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा
देखिए अपलोड डेट जो है यहाँ पे 5 अक्टूबर रखा गया है। तो एडवर्टाइजमेंट हिंदी में अगर आप रीड करना चाहे तो यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर एक चीज अलग अलग पीडीएफ में सेपरेटली बहुत ही क्लियरली दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर होगा कुछ डाउट्स आता है, कुछ क्वेरीज होता है, तो आप मेरी चैनल के मेरे वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहां पे जाके आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। टेंटेटिव वैकेंट पोजिशन जो मैंने बताया तो इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, एलाइड सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव या फिर हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज मेरी वीडियो को एक बार लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूले, उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए आपके नॉन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरे चैनल पे नया है तो, उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए एंड आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरे चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वो बिल्कुल मिस मत करना, वहाँ पे मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन हर दिन अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।